झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड की महिलाओं के अकाउंट में तय राशि भेजी जा रही है। इसको लेकर गिरिडीह में महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि वह अब से इस पैसे का उपयोग अपनी पर्सनल खर्च के लिए कर सकती है, जैसे कि दवाइयाँ लाना या बच्चों का ट्यूशन फी पे करना, इन सब चीज़ों में वो खर्च कर सकती है। इन सारी चीज़ों को लेकर महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता संतोष तिवारी ने। चलिए देखते हैं। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मैया सम्मान योजना को लेकर गिरिडीह जिला समेत पूरे राज्य की झारखंड राज्य की महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अभी हम इस वक्त हैं गिरिडीह जिला के सदर प्रखंड के सिगदाडी पंचायत में। यहां पर झारखंड मैया सम्मान योजना के द्वारा जो महिलाओं को एक एक हजार रुपये जो आर्थिक सहायता राशि मिली, उससे महिलाओं में काफी उत्साह है। हम लोग का लाभ पहुँच रहा है यही कि बच्चा लोग को ट्यूशन का पैसा दे रहे हैं, बहुत मदद मिल रहा है। पूरा लाभ पहुंच रहा है। हाँ, अरे आगे मिलेगा तो लाभ, आगे मिलेगा तो और लाभ मिलेगा। और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह हम लोग के सरकार देते रहेगा तो हम लोग के और लाभ मिलते रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? रीता देवी। एकर से हमने लाभ हो रहा यही कि हमने प्रथम जब 1000 उठेलिए तो हमारे शरीर में बहुत दिक्कत हले, हमारे पैर में दर्द हले, चले बोले बहुत दिक्कत हो गए, इसलिए पहले अपन इलाज कर लिए हम ठीक है। हमारे बहू के जब मिलने तो अपन बच्चा के ट्यूशन के पैसा दल के, तो यदि सरकार इस तरह से यदि 1000 रुपया महीना हमने देते रहते तब तो हमने आर्थिक स्थिति बाल बच्चा पढ़वे लिख में मदद होते। आ सरकार के हमने वैसे भी हमने आभारी व्यक्त करबे कि चल सरकार हमने बहुत महिला सबके मदद करब करिए। आ मैया सम्मान योजना जब मिलते रहते तो हमने इसी तरह से मतलब अपन आर्थिक स्थिति सुधरल जीते और बाल बच्चा के आगू बढ़ेबे, बहुत मदद हो करिए सरकार यदि देव करिए। हेमंत सोरेन का पैसा, उससे हम लोग बच्चा को फीस भरते हैं और मिलेगा तो और हम लोग का भरेंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगा और हम लोग चाहते हैं कि मिलते रहे। झारखंड मैया सम्मान योजना के तहत आपके खाते में 1000 रुपये की राशि आ गई, इसे कैसा महसूस हो रहा? बहुत अच्छा, मैया सम्मान योजना की तरफ से 1000 का जो मिला हम लोग को, उससे दवाई लिए बच्चा, बहुत सहायता हुआ हम लोग को और मुख्यमंत्री के द्वारा जो दिया गया है वो और आगे मिलते रहे बस यही। गरीब गुरुआ महिलाएं जिसके खाते में 1000 रुपये गए हैं, उससे उनकी स्थिति काफी अच्छी हो रही है, कि जैसे अगर कह सकते हो दवाई के रूप में और बच्चों के ट्यूशन के रूप में, खास करके बात की जाए तो महिलाओं के लिए यह योजना जो है वरदान साबित हो रही है। संतोष तिवारी 99 न्यूज गिरिडीह।